नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट काफी बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इनफैक्ट ये एक नहीं बल्कि कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। अब ये सवाल इनबॉक्स में कई बार आया, काफी बार लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा, बल्कि जब लोग मुझे पर्सनली कहीं भी मिलते हैं तो पूछ ही लेते हैं कि हमारे यहाँ भी जो बाथरूम है ना वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय बता दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि वास्तु की रेमेडीज एक एस्केप रूट नहीं हो सकती, कि आपको पता है कि बीमारी है और आप ता जिंदगी उसके लिए जो है वो दवाइयां खाने के लिए रेडी हैं। कोई भी दवाई अगर सालों साल खाई जाए तो उस दवाई का भी असर होना बंद हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मेरा थॉट प्रोसेस तो हमेशा ये रहता है कि हम रूट कॉज को इवैल्यूएट करें, उस बीमारी को ट्रीट करने में हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि दवाइयां बदलते रहना। हाँ, दवाइयां बदलते रहना भी एक प्रोसेस है कि हम टाइम टू टाइम एनालाइज करें कि ये बीमारी जो है वो बढ़ रही है कम हो रही है, और उस अकॉर्डिंगली दवाइयों को चेंज किया जाए। लेकिन वो लोग जो छोटा सा उपाय जानना चाहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की के वास्तु दोष को खत्म करने के लिए, तो अगर तुड़वाना पॉसिबल ना हो तो कोशिश कीजिए कि उस बाथरूम को, उस टॉयलेट को यूज ना किया जाए। लेकिन बाकी लोगों के लिए अदरवाइज आपको फ्लोर प्लान डिस्कस करना चाहिए, ताकि समझ आए कि प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के कारण है या बाकी पैरामीटर्स भी हैं जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात खड़े कर रहे हैं।